ये जीवन मिला है इसका सदुपयोग कीजिए, ये जीवन मिला है सकारात्मक सोचिए, ये जीवन मिला है अपने परिजनों अपने इष्ट मित्रों को आप पर गर्व करने का मौका देने के लिए प्रयास कीजिए, वो आप पे प्राउड करें, वो कोशिश करें, नेगेटिविटी नहीं हो, नेगेटिविटी के लिए इस दुनिया में इस विचार में जगह नहीं है, आप अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, जिस विधा में आप काम करते हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसी श्रृंखला में मैं सभी सम्माननीय अतिथियों को एक साथ में यह सर्टिफिकेट और एक 2023 में हमने काव्य जून 2023 में काव्य लेखन प्रतियोगिता आयोजित की थी, माँ विषय था, 217 प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई थी, 36 प्रविष्टियों को सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि का चयन हमने यहाँ इस कार्यक्रम में किया, उन सभी का आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बुलाना चाहूंगा सुश्री संजना पोरवाल, मोहिनी शेखावत हमारे बीच उपस्थित है। फक्र होता है इस बच्ची से जो हाथ रखने लगता है, जैसे हम लाल किले भी खड़े हो, लाल किले को हाथ लगाने से भी होगा, ये बहुत होता है बेटियों के लिए। और मोहिनी आपका जो अनुभव था उस लेवल पे जाने का, नागदा से जाना, क्या स्टेशन पे पापा मम्मी का छोड़ना, जब ट्रेन में बैठी आपने बाय किया तो मामा के आंखों में आंसू होंगे, पापा ने सोचा होगा कि बेटा खाते पहुंची, अभी तो आलू की आया है, अभी फाइव उदयपुर आया है, अभी तो कोटा ही निकला है, अभी तो मथुरा ही पहुंचे हैं, हजरत मिर्जापुर स्टेशन आया है, फिर वहां पहुंच गए, बेटा फोटो भेज जैसे क्या तुम्हें क्या पहना है, तू घबरा तो नहीं, तू ग्लूकोज पी लेना, खाना खाया कि नहीं खाया, सब चीज होती है। तो क्या बेटी और माँ बाप की जो फिक्र चिंता होती है बेटियों के लिए, खास करके मैं महसूस कर सकता हूँ, मोहिनी की सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। सबसे पहले प्रिंसिपल मैम, यू आर लैटिनियन गर्ल एंड आई एम सो प्राउड आफ्टर सी यू, थैंक्स टू ऑल एंड नाइस टू मीटिंग यू ऑल गाइस। मेरा जो आरईसी का सफर था एग्जॉस्टेड था, काफ़ी इजी भी नहीं था, बट इन्जॉइंग था, काफ़ी अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतने अच्छे स्टेज पे जाके बहुत सारे स्टेजेस क्लियर करने होते हैं हमें, नादस निकलना यही बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो जाता है कि आप एक टाउन में हो जहाँ पे आपका यूनिट भी नहीं है, इवन आपका यूनिट भी नहीं बाहर है, आप वहाँ कॉम्पीट कर रहे हो, आप ग्रुप कॉम्पीट कर रहे हो, आपका दैट आप डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हो, और उसके बाद आप दिल्ली में भी 3 कॉम्पिटिशन लड़ रहे हो ऑल इंडिया लेवल पर, तब आप बहुत ही दिल्ली में। मैं सबसे पहले ये बोलूँगी बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यही मोस्ट था, दिल्ली का वेदर काफ़ी कोल्ड था, नाइट में 1:30 हम लोगों को कर्तव्य पर लेकर चले जाते थे, नाइट में 1:30 हम लोग चले जाते थे राष्ट्रपति भवन, क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे चेकिंग होता था 11 प्लेयर्स में, और हमारी जो स्पेशल फोर्सेज है और BSF है जो वुमेन्स इवेंट वहाँ पर ड्यूटी देती थी, और हम लोगों की सिक्योरिटी चेकिंग करती थी, आफ्टर दैट हम लोग 4 बजे कर्तव्य पर के ग्राउंड में राष्ट्रपति भवन के आगे एंटर करते थे और 4 बजे वहाँ से चलते थे, फिर हम लोग इंडिया गेट पहुँचते थे चलने के बाद, उसके बाद में भी ये 7 किलोमीटर का पूरा मार्चिंग होता है, 7 किलोमीटर पूरा कर्तव्य पथ पे मार्च करना होता है एक सेम मोमेंट में, उसके बाद भी विजिट्स भी काफ़ी सारी आई थी। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि मुझे 3 विजिट मिली थी, मैं प्राइम मिनिस्टर होम विजिट भी गई थी, राष्ट्रपति भवन भी गई थी, और उसके बाद में मैं हमारे जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस से भी होम विजिट भी गई थी, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आपने इन्वाइट किया एंड ये इतना अच्छा बिग अपॉर्चुनिटी मुझे दिया, थैंक यू सो मच।